सभी मित्रों को जय माता की। आइए एक नई YouTube वीडियो के साथ हम आपके सामने कुछ नई जानकारी आपको देंगे। आज हम राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। राहु एक क्रूर ग्रह है जो हमारे सप्तम भाव को खराब करता है। कुंडली में सप्तम भाव बहुत ही शुभ भाव माना जाता है, जो पति और पत्नी के आपसी प्रेम संबंध का भाव होता है। कई बार हमारे जीवन में हमारे पति पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़ा, अशांति, आपसी मतभेद, क्लेश, कलह, कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं मित्रों। आप अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखें या किसी ब्राह्मण देवता को दिखाएं, किसी ज्योतिषी को दिखाएं। जब सप्तम भाव में राहु देवता विराजमान होते हैं तो हमारा परिवार पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाता है, और कहीं से भी राहु की अगर दृष्टि सप्तम भाव में पड़ जाए और अधिक हमारा जीवन खराब हो जाता है, परिवार में कलह हो जाती है, आपसी मतभेद हो जाता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए विधान से कलयुग में राहु का सवा लक्ष जप कराएं, पूजा करें, हवन करें, और राहु की जो दान सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का विधान से संकल्प करके कि राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मैं इन वस्तुओं का दान कर रहा हूं या कर रही हूं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, हमारा जो गृहस्थ जीवन है, प्रभु कृपा से आनंद से व्यतीत होगा। और शुभ संकल्प जब आप करेंगे तो संकल्प भगवान ठाकुर जी पूरा करेंगे, और हमारे घर में, हमारे व्यापार में खूब उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम संबंध हो जाएगा, प्रेम होगा। इस प्रकार से आप उपाय करें, डरे नहीं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले जानकारी आपके पास तक पहुँचे। जय श्री राधे।